देखो ओबी 43 तो चला गया, अब ओबी 44 आ चुका है। तो आफ्टर अपडेट बैटल रॉयल रैंक के लिए तीन बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिससे आप अभी यूज कर सकते हो और आने वाले न्यू बीआर रैंक सीजन में यूज करके आराम से मास्टर ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो बेसिकली बैटल रॉयल में तीन टाइप के प्लेयर होते हैं, पहला एग्रेसिव प्लेयर जिसको हम रसर बोलते हैं, दूसरा कैंपर और सर्वाइवर जो लास्ट जोन तक वेट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एंड थर्ड ये दोनों का मिक्सचर, रसर एंड सर्वाइवर का मिक्सचर जिसको हम रस बोलते हैं। नहीं, इसका भी एक ऑफिशियल नाम है फ्रैगर। अगर आप इस वीडियो में 5000 कमेंट करते हो देन मैं फ्रैगर के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन तीन पार्ट में डिवाइड है, पहला एग्रेसिव कॉम्बिनेशन, दूसरा सर्वाइव कॉम्बिनेशन एंड तीसरा फ्रैगर कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वन एग्रेसिव कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में एक अटैकिंग कैरेक्टर चाहिए, इसीलिए तासुआ को यूज किया हूं। देखो तासुआ का स्किल को लगातार दो बार यूज कर सकते हो और तासुआ इंस्टेंटली स्पीड इंक्रीज करता है, जिससे एक रसर को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। और पैसिव स्लॉट में ये तीन कैरेक्टर को यूज नहीं करोगे तो कॉम्बिनेशन अधूरा रह जाएगा। नंबर वन काइरोस, ये एक न्यू कैरेक्टर है जो ओबी 44 अपडेट में आया है और इसका कमाल का एबिलिटी है, स्किल दो पार्ट में डिवाइड है, डिफेंस मोड एंड ब्रेकर मोड। डिफेंस मोड में काइरोस ईपी देता रहेगा जब तक ईपी पूरा फुल ना हो जाए, फिर ईपी फुल होने के बाद अगर किसी एनिमी को डैमेज देते हो देन ब्रेकर मोड चालू हो जाएगा, फिर एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा क्योंकि काइरोस ब्रेकर मोड में आर्मर पेनिट्रेशन करता है। तो अपडेट के बाद ये एक कैरेक्टर काफी है रस के लिए। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में मीसा, जो एनिमी को पूरे मैप में ढूंढने में मदद करती है। मीसा को यूज करने से ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और आप पूरे मैप में गाड़ी लेके बिंदास मंडरा सकते हो, और अगर आप धोनी का फैन हो तो ये गाना गुनगुना सकते हो। अब के बरस है ये सावन, जान ना मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बाहों में। अरे बस कर भाई। और हाँ, मीसा यूजर के ऊपर ड्राइविंग करते वक्त डिफॉल्ट एम काम ही नहीं करता है, और अगर गलती से एक आध गोली लग भी जाता है तो 20% डैमेज रिड्यूस करती है मेरी मीसा कैरेक्टर। क्या बोला तूने? मेरी मीसा कैरेक्टर। एंड लास्ट पैसिव स्लॉट में एक एचपी देने वाला कैरेक्टर चाहिए, तो हम ये दो कैरेक्टर में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, फॉर्ड या लियोन। फॉर्ड इंस्टेंटली 30 एचपी देता है और लियोन 60 एचपी देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर आपको इंस्टेंटली एचपी चाहिए तो फॉर्ड को यूज करो, और अगर आपको ज्यादा एचपी चाहिए तो लियोन को यूज करो। ओके, देन नेक्स्ट सर्वाइव और कैंपर कॉम्बिनेशन, ये तो बताऊंगा लेकिन आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता देता हूं कि सब्सक्राइब करना फ्री है, आप बिंदास कर सकते हो। तो सर्वाइव कॉम्बिनेशन में ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो जोन में सर्वाइव कर सकता है। वैसे तो मेरी नजर में एक ही कैरेक्टर है, के कैरेक्टर, जो अनलिमिटेड ईपी प्रोवाइड करता है और उस ईपी को फास्ट एचपी में कन्वर्ट भी करता है। तो सर्वाइव या कैंपर के लिए एक्टिव स्किल में के सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। देन पैसिव स्लॉट में नंबर वन सीरू, अगर कोई एनिमी आपको कहीं से भी डैमेज देता है देन सीरू का मार्क शो करेगा एनिमी के ऊपर। और सर्वाइव कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी फाइट नहीं करो, शॉर्ट रेंज फाइट को थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो लेकिन लॉन्ग रेंज फाइट तो करना पड़ेगा, इसीलिए सेकंड पैसिव स्लॉट में मारो को यूज किया हूं, जो 25% डैमेज इंक्रीज करता है और टैग एनिमी के ऊपर एक्स्ट्रा 3.5% डैमेज इंक्रीज करेगा, मींस टोटल 28.5% डैमेज इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं सीरू कैरेक्टर को भी यूज किया हूं ना। एंड लास्ट स्लॉट में एक ऐसा कैरेक्टर को रखा हूं जो के का हेल्प करेगा, मैक्सिम, 25% फास्ट मशरूम खाता है और मेडिकेट भी 25% फास्ट यूज करता है। तो अब आप के एंड मैक्सिम को यूज करके आराम से जोन में सर्वाइव कर सकते हो। देन लास्ट फ्रैगर कॉम्बिनेशन, फ्रैगर का मतलब होता है किल कलेक्ट करना, डैमेज कम होगा किल ज्यादा होगा, जिसको हम किल चोरी करना बोलते हैं। तो एक्टिव स्किल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो किल निकालने में बहुत मदद करती है, आयरिस। इसका स्किल को यूज करके अगर ग्लूवल में डैमेज देते हो देन वॉल के पीछे जो एनिमी होगा उसके ऊपर मार्क शो करेगा और ग्लूवल को पेनिट्रेट करके एनिमी को डैमेज भी लगेगा, जैसे कि M82 स्नाइपर से ग्लूवल के
आर पार एनिमी को डैमेज दे सकते हो, ठीक उसी तरह आयरिस को यूज करके भी किसी भी वेपन से आप ग्लूवल के आर पार एनिमी को डैमेज दे सकते हो। देन पैसिव स्लॉट में ये तीन कैरेक्टर को अगर आप यूज करते हो देन 8-10 किल तो आराम से निकल जाएगा। नंबर 1 लूना कैरेक्टर, रेट ऑफ फायर इंक्रीज करती है, किल कलेक्ट करने के लिए रेट ऑफ फायर का खास जरूरत पड़ेगा। देन नंबर 2 काइरोस, न्यू कैरेक्टर है, डिफेंसिव मोड में ईपी देता है और ब्रेकर मोड में आर्मर पेनिट्रेट करता है, मींस एक्स्ट्रा डैमेज देता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड लास्ट स्लॉट में लुकेटा कैरेक्टर, या फिर आप कोई भी एचपी देने वाला कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। लुकेटा को यूज करने से 2 किल करने के बाद एचपी कैपेसिटी 200 से 250 एचपी हो जाएगा, तो आपके पास ऑलवेज एचपी का एडवांटेज होगा। ओके, तो ये था आफ्टर अपडेट बेस्ट बीआर रैंक कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्लास कोड कॉम्बिनेशन चाहिए देन इस वीडियो को क्लिक करके देख लो। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो।